इस समय मुस्लिम समाज बंधुओं का पवित्र रमजान माह चल रहा है, जिसमें गुरुवार 6 मई तक 23 रोजे हो चुके हैं और अब जल्द ही रमजान ईद का पर्व पड़ने वाला है। ऐसे में सभी मुस्लिम समाज बंधुओं को चाहिए कि वे अपने अपने घरों पर रहकर ही दुआ पढ़े, साथ ही ईद की खरीदारी के नाम पर बिना वजह घरों से बाहर न निकले। इसके अलावा आगामी सप्ताह में रमजान ईद भी बेहद सादगीपूर्वक ढंग से मनाई जाए, इस आशय का आह्वान मुस्लिम धर्म गुरुओं द्वारा मुस्लिम समाज बांधवों से किया गया। गत रोज ही मनपा प्रशासन द्वारा मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें से प्रशासन ने कोरोना काल में मुस्लिम समाज से सहयोग मांगते हुए निवेदन किया था कि कोविड संक्रमण काल के दौरान गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी रमजान ईद बेहद सादे व सामान्य ढंग से मनाई जाए, साथ ही माह रमजान के दौरान भी कहीं पर किसी तरह की भीड़ भाड़ न हो। इसके बाद जमीयत उलमा ए हिंद के पदाधिकारियों तथा शहर में स्थित मस्जिदों के मौलविया द्वारा इतवारा बाजार परिसर स्थित होटल अब्दुल्ला में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें नागपुर गेट पुलिस स्टेशन के थानेदार अर्जुन भोसरे भी उपस्थित थे। इस बैठक में सभी मुस्लिम धर्मगुरुओं ने आपस में राय मशविरा करते हुए मुस्लिम समाज बांधवों से आह्वान किया कि फिलहाल शहर से जिले व राज्य से देश पर जिस तरह से कोविड की संक्रमण महामारी का खतरा मंडरा रहा है, उसे देखते हुए इस वर्ष रमजान ईद का पर्व बेहद सादे व सामान्य ढंग से मनाया जाए। इस बैठक में जमिया उलमा ए हिंद के जिला अध्यक्ष मौलाना लिकायत अली रशीदी, शहर अध्यक्ष मौलवी मुस्ताक, पूर्व अध्यक्ष हाफिज नाजिमुद्दीन अंसारी, कार्याध्यक्ष मौलवी अब्दुल मेमन, मौलवी रेहान, सावनपुरा मस्जिद ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष हाजी शकील, मौलवी सुलेमान, नसीम खान उर्फ पप्पू सहित मुस्लिम समाज के कई गणमान्य उपस्थित थे। कोरोना संक्रमितों की संख्या शहर व जिले में दिनों दिन तेजी से बढ़ती जा रही है। कोरोना मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखकर मनपा प्रशासन की ओर से आवश्यक उपाय योजना की जा रही है, किंतु इसके बावजूद भी कोरोना संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा। बेड व रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत निर्माण हो रही है। ऐसे में नागरिकों को सुरक्षा की दृष्टि से मनपा की ओर से कॉल सेंटर शुरू किया गया। मनपा द्वारा शुरू किए गए कॉल सेंटर पर नागरिकों को अस्पताल व बेड व रेमडेसिविर इंजेक्शन तथा अन्य सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी। मनपा द्वारा कॉल सेंटर से संपर्क करने हेतु मोबाइल नंबर 7030922851840881666 जारी किया गया है। इस नंबर पर अस्पतालों में बेड की जानकारी दी जाएगी। उसी प्रकार रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी किल्लत महसूस हो रही है और रेमडेसिविर की कालाबाजारी की जा रही है और पौने दामों में रेमडेसिविर बिक्री हो रही है। इस पर भी रोक लगाने हेतु मनपा द्वारा जारी किए गए डॉक्टर विशाल काले से संपर्क कर जानकारी ली जा सकती है। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ की शीतकालीन अधिवेशन 2020 नियमित रूप से प्रवेशित विद्यार्थियों की ऑनलाइन परीक्षा बुधवार से सुचारू रूप से शुरू हो गई है। ऑनलाइन परीक्षा 6 जून तक ली जाएगी, ऐसा नियोजन विद्यापीठ ने किया है। विद्यार्थी घर बैठकर मोबाइल लैपटॉप अथवा डेस्कटॉप से यह परीक्षा दे सकते हैं, ऐसी सुविधा विद्यापीठ ने उपलब्ध की है। परीक्षा के पहले दिन महाविद्यालय से प्रश्न पत्रिका ऑनलाइन भेजी जाती है। यह प्रश्न पत्रिका महाविद्यालय से विद्यार्थियों को गूगल फॉर्म पर भेजी जाती है। पहले दिन किसी भी प्रकार की तकनीकियां त्रुटियां न होकर ऑनलाइन परीक्षा व्यवस्थित रूप से निपट गई। इस समय विद्यापीठ ने ऑनलाइन परीक्षा के लिए कोई भी बाह्य यंत्रणा अथवा एजेंसी नियुक्त न कर इस परीक्षा का नियोजन किया है। इसके लिए अधिकारी कर्मचारियों का परिश्रम महत्वपूर्ण रहा है। समूचे राज्य में कोविड के इलाज में प्रभावी संबंधित होने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की जबरदस्त किल्लत देखी जा रही है। वहीं अब वर्धा की जेनेटिक लाइफ साइंस कंपनी में गुरुवार 6 मई से रेमडेसिविर इंजेक्शन के उत्पादन की शुरुआत हुई है, जहां पर रोजाना 30,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन उत्पादित करने का लक्ष्य तय किया गया। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि वर्धा की इस कंपनी को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन उत्पादन हेतु लाइसेंस दिलवाया गया है। बता दें कि हाल ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वर्धा स्थित जेनेटिक साइंस लैब कंपनी का प्रत्यक्ष मुआयना किया था।